नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन आज के दौर में क्रिकेट की कर्म भूमि और धन भूमि भारत है। क्रिकेट की दुनिया में भारत सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली और सबसे धनी देश है। आप भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कमाने वाला बेटा भी कह सकते हैं। आईसीसी की जो भी कमाई होती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत से ही आता है और भारत क्रिकेट खेलने वाले दूसरे देशों की कमाई भी करवाता है। यानी भारत क्रिकेट की दुनिया का बॉस है। लेकिन ये बात इंग्लैंड और उसके दोस्तों को अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान भी भारत को क्रिकेट के बॉस के रूप में अब देखना नहीं चाहता। इसलिए अब इंग्लैंड और पाकिस्तान मिलकर भारतीय क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं, और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो भारतीय क्रिकेट से उसका सम्मान हमेशा के लिए छिन जाएगा। खबर यह है कि आईसीसी बीसीसीआई के अधिकारों और कमाई के हिस्से में कटौती करने वाली है, और इसके लिए आईसीसी के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में कुछ ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिनसे बीसीसीआई को करीब 8 से 12 हजार करोड़ रुपए का घाटा होगा और क्रिकेट की दुनिया में भारत की शक्तियां कम हो जाएंगी। आप इसे क्रिकेट का विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, जिसके लिए क्रिकेट की दुनिया असल में दो खेमों में, यानी दो टीमों में बट गई है, जिसमें एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ क्रिकेट को अपनी बपौती समझने वाले इंग्लैंड और उसके दोस्तों की टीम है। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं और बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं जिनके आधार पर हम क्रिकेट के इस विश्व युद्ध का आज विश्लेषण करेंगे। यहां पर सवाल यह है कि क्या भारत की क्रिकेट वाली कमाई को दुनिया के दूसरे देश आराम से लूट कर ले जाएंगे? क्या भारत आईसीसी की इस राजनीति से खुद को बचा पाएगा? और क्या भारत जून में होने वाली आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से इनकार कर देगा? हम आपको यह भी बता दें कि हम बीसीसीआई के कामकाज के प्रशंसक या फैन नहीं हैं। हमने समय समय पर बीसीसीआई के अंदर होने वाली धांधली और घोटालों के खिलाफ आपको खबरें दिखाई हैं और उन खबरों को सही अंजाम तक भी पहुंचाया है। हमने स्वच्छ क्रिकेट अभियान भी चलाया था ताकि भारतीय क्रिकेट के अंदर फैली गंदगी साफ हो सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आईसीसी द्वारा भारत को पहुंचाए जा रहे नुकसान को नजरअंदाज कर देंगे। ये देश के हित से जुड़ा हुआ मामला है और ये क्रिकेट के हित से जुड़ा मसला है, इसलिए आज इसका डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 67 लोगों की मौत हो गई थी और 225 लोग घायल हुए थे। इस बम ब्लास्ट के मामले में 12 साल बाद एक फैसला आया है और इस फैसले ने ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों को मायूस कर दिया है। सबूतों के अभाव की वजह से यह मामला बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 12 साल के इंतजार के बाद सिर्फ 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा सिस्टम 67 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ना तो ठीक से जांच कर पाया, ना कार्रवाई कर पाया और ना ही उन्हें कोई सजा दिलवा पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉम्ब ब्लास्ट में जो 67 लोग मारे गए उन्हें किसी ने तो मारा होगा, और जिसने मारा है वो आजाद कैसे घूम सकता है? इसी सवाल के आधार पर आज हम एक गहरा विश्लेषण करेंगे और आज हम बेंगलुरु की उस झील का डीएनए टेस्ट भी करेंगे जिसके पानी में आग लग गई। ये पर्यावरण और देश के सिस्टम की लापरवाही से जुड़ी एक बड़ी खबर है। इसके बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपी में तीसरे दौर का चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। 19 फरवरी को तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आखिरी दिन तमाम पार्टियों ने प्रचार में ताकत लगाई। फतेहपुर की रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अखिलेश को तो शिवपाल हराने में लगे हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे को उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वहीं बाराबंकी में अखिलेश ने कहा कि चुनाव के बाद बीएसपी फिर बीजेपी से हाथ मिला सकती है। ये गोवा का और भारतीय जनता पार्टी का खेल कोई नहीं समझ सकता। पहले भी एक बार रक्षाबंधन मना चुके हैं और अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई ये दोनों फिर त्योहार मनाने लगे कि रक्षाबंधन का। यूपी चुनाव का तीसरा चरण समाजवादी पार्टी के गढ़ में है। इटावा, औरैया, कन्नौज, फरुखाबाद में इसी चरण में वोट पड़ने हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहां 69 में से 55 सीटें जीती थी। यूपी में तीसरे दौर के प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका वाड्रा ने रायबरेली में प्रचार किया। राहुल जी,
की जान में उत्तर प्रदेश है। चुनाव से पहले अटकलें थी कि प्रियंका वाड्रा अमेठी रायबरेली से बाहर भी प्रचार करेंगी। कोई असर नहीं होने वाला, प्रदेश की जनता ने उनको पूरी तरह से ठुकरा दिया है। जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, वो टूरिस्ट वीजा पर जाती हैं, पिकनिक मना करके चली आती हैं, बाकी कोई उनका अर्थ नहीं। दूसरी तरफ सांसद डिंपल यादव ने औरैया की सभा में अपना और अखिलेश का लोगों से भैया भाभी का रिश्ता जोड़कर वोट मांगे। आप लोग मौका देंगे तो एक बार फिर हम लोग आपकी सेवा जरूर करेंगे। अब भैया भाभी को तो मौका देंगे ही देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के मंत्री और अमेठी से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप और छेड़छाड़ का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रजापति और उनके साथियों पर एक महिला को पार्टी में नेता बनाने का झांसा लेकर यौन शोषण करने का आरोप है। महिला ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। ये जानबूझ करके जो है कहीं न कहीं ऐसे लोग जो है साजिश के तहत ये खड्यंत किया गया है और जो है जिस महिला का आरोप लगाया गया है उसे मैं जानता भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से 8 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है पुलिस गायत्री प्रजापति के खिलाफ बलात्कार का FIR नहीं दर्ज कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने किया है दर्ज कर दो। गायत्री प्रजापति पर अवैध संपत्ति, अवैध कब्जे और गैर कानूनी ढंग से रेत खनन के मामले पहले से चल रहे हैं। मुसलमानों के बारे में आजम खान के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी ने आजम का समर्थन किया है। इसमें नाराज होने की क्या बात है, हर व्यक्ति और अपने समाज के बारे में वो बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि आजम खान का बयान सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं देश की महिलाओं का भी अपमान है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के बयान में वो चर्चा में रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश में इस बार वो चुनाव में पूरी तरह फंसे हुए हैं। कल कन्नौज की रैली में आजम खान ने कहा था कि मुस्लिमों के पास नौकरी की कमी है, इसलिए वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। पिछले दिनों वो जिक्र चला कि ये मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं। अरे ये काम नहीं है तो और क्या करें? दो नौकरी कारोबार कराओ, बच्चे भी कम हो जाएंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी को 45% से ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन राजनाथ उस सवाल को टाल गए कि सरकार बनने की स्थिति में क्या वो मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कुछ विचार होती, क्योंकि चर्चा ये रहती है कि राजनाथ सिंह ने बीच में यूपी जाने से मना कर दिया, नहीं तो सीएम चेहरा पहले ही घोषित हो गया होता। ना मैंने कभी हाँ कहा, ना मैंने कभी ना कहा, यह सब सारी अफवाहें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। यूपी में बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट नहीं पेश किया है, इसे लेकर तीनों विरोधी पार्टियां लगातार उसे घेर रही हैं। मणिपुर में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ 16 साल तक अनशन करने वाली इरोम शर्मिला ने आज मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा। इरोम थोबल सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जहां से मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। इरोम शर्मिला इम्फाल से 20 किलोमीटर की दूरी साइकिल पर तय करके थोबल पहुंची थी। वो पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस के बैनर पर चुनाव लड़ रही हैं। People believe in me and the APSPA will go and I will win. मणिपुर में पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार है। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 11 मार्च को आएंगे। आतंकियों की मदद करने वालों को सेना की प्रमुख की कड़ी चेतावनी के खिलाफ आज कश्मीर में कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद आतंकी संगठन ISIS और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हालात काबू में करने के लिए कार्रवाई की। राष्ट्र ऋणी है भारतीय सेना का। यदि आज हम सुरक्षित हैं और अपनी गतिविधि अपनी इच्छा अनुसार निभाने में सफल है तो मात्र इसलिए कि सेनाएं सेनापति बनकर के ये जवान हमारा पहरा दे रहे हैं। वहीं सेना प्रमुख की चेतावनी के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि लोग एनकाउंटर वाली जगहों से 3 किलोमीटर दूर रहें। एनकाउंटर के दौरान आतंकियों को स्थानीय मदद मिलने पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि आतंकियों की मदद करने वालों को भी आतंकी माना जाएगा और कश्मीर में पाकिस्तान ISIS के झंडे लहराने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फिदायीन हमले के बाद वहां की फौज ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने का दावा किया है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इस कार्रवाई में 24 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। कल सिंध की सूफी दरगाह में हुए धमाके में मरने वालों की तादाद 80 हो चुकी है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हैं।
हजारों की तादाद में जायरीन थे, रो रहे थे, क़यामत सुग्रा जैसा मंजर था, कोई किसी को उठाने वाला नहीं था। सिंध के सेवान में सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर दरगाह में कल शाम हुए फिदायन हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर सील कर दिए हैं और अफगान सरकार को 76 आतंकियों की लिस्ट सौंप कर उन्हें हैंडओवर करने की मांग की है। चीन ने एक बार फिर आतंकी मसूद अजहर का पक्ष लिया है। चीन ने कहा कि मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए दुनिया भर में बैन लगाने के लिए भारत को अजहर के खिलाफ पुख्ता सबूत देने होंगे। वहीं एनएसजी में भारत का विरोध करने पर चीन ने कहा कि एनटीपी पर साइन किए बिना भारत को सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। 22 फरवरी को बीजिंग में भारत और चीन के बीच स्ट्रैटेजिक डायलॉग होना है। इसमें मसूद अजहर और एनएसजी समेत कई मुद्दे उठ सकते हैं। चुनाव आयोग ने शशिकला नटराजन को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने ये नोटिस एआईएडीएमके नेता वी मैत्रेयन की उस याचिका पर जारी किया है जिसमें शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाए जाने को चुनौती दी गई थी। मैत्रेयन ने याचिका में शशिकला की नियुक्ति को पार्टी के संविधान के खिलाफ बताया है। शशिकला को 28 फरवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा। वहीं कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। ई पलनीसामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बेंगलुरु के बेलंदूर झील के ऊपर उठे धुएं के गुबार पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। बेंगलुरु के सरजापुर रोड पर झील के पास के डंपिंग ग्राउंड में जमा कूड़े कचरे में आग लगी थी। इससे उठे जहरीले धुएं ने झील को ढक लिया था। इसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई थी। इस घटना पर कर्नाटक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP को नोटिस जारी किया है। नोटिस में BBMP समेत अन्य एजेंसियों को झील के पास कूड़े की डंपिंग रोकने को कहा गया है। अकॉर्डिंग टू अवर असेसमेंट दिस इज द थर्ड टाइम दैट फायरिंग इज हैपनिंग हियर एंड सिंस सो मेनी 25 टू 30 इयर्स द इनफ्लो ऑफ सीवेज एंड डिफरेंट वेरियस एफ्लुएंट्स एंटरिंग इनटू द लेक। इस डंपिंग ग्राउंड में पिछले एक साल में पहले भी कई बार आग लग चुकी है। नोएडा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी को लेकर कटघरे में खड़ी एडबुक मार्केटिंग कंपनी के दो निदेशकों को गिरफ्तार किया है। अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा नाम के दोनों कंपनी डायरेक्टर SSP धर्मेंद्र सिंह से मिलने पहुंचे थे जहां SSP ने दोनों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के उपरांत ही निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। इस कंपनी पर अब तक 200 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप सामने आ चुका है। आरोप है कि सोशल ट्रेंडिंग के नाम पर कंपनी लोगों को सोशल मीडिया पर लाइक्स और क्लिक दिलाने का झांसा देती थी। पुलिस पहले ही कंपनी के 5 बैंक अकाउंट सीज करके इसका ऑफिस सील कर चुकी है। राजधानी दिल्ली में म्याओ म्याओ के नाम से मशहूर पार्टी ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी गई है। दिल्ली पुलिस ने 25 किलो से ज्यादा मेफोड्रिन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई ड्रग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 करोड़ से ज्यादा है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में से एक हरप्रीत सिंह भी है। हरप्रीत 2004 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीत चुका है। हरप्रीत के अलावा मनदीप और हरमीत नाम के 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं। ड्रग्स को ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते पहले मुंबई और फिर दिल्ली लाया गया। के पास से 25 केजी म्याओ म्याओ मेफोड्रिन ये रिकवर हुई थी। बाद में इनके डिस्क्लोजर के आधार पर इनका तीसरा साथी हरनीत सिंह जो कि दिल्ली बेस्ड है लेकिन लुधियाना पंजाब में बिजनेस करता है और इस ड्रग्स की सप्लाई भी करता है, वो शाम के समय दिल्ली में जनकपुरी के इलाके से अप्रेहेंड किया गया। स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग के ग्रुप चीफ ली जियोंग को दक्षिण कोरिया में भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ली पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे को 3.8 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश का आरोप है। सैमसंग चीफ ने 2 कंपनियों के विलय को लेकर राष्ट्रपति से समर्थन मांगा था और उन्हें इसके लिए रिश्वत की पेशकश की थी। ये मामला दिसंबर में राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे के खिलाफ चलाए गए महाभियोग से भी जुड़ा हुआ है। ली की गिरफ्तारी के बाद सैमसंग के शेयरों में 1.5% तक गिरावट दर्ज की गई। ली जियोंग ने 2014 में पिता ली कुन ही के निधन के बाद कंपनी की कमान संभाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन की बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों से जुड़े संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रगीत का जिक्र नहीं है। कोर्ट ने उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें संसद विधानसभाओं अदालतों और सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की मांग की गई थी। ये दोनों याचिकाएं बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने दी थी। फेसबुक संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने सरकार चलाने में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है।
बिल्डिंग ग्लोबल कम्युनिटी नाम से फेसबुक पर लिखी पोस्ट में जकरबर्ग ने लिखा है कि पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को अपनी मीटिंग और जानकारियों को फेसबुक पर डालने को कहा है, जिससे लोगों का सीधा फीडबैक मिल सके। जकरबर्ग के मुताबिक सोशल नेटवर्क से सिर्फ वोटिंग के लिए ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के मुद्दों पर भी लोगों से जुड़ने का बड़ा मौका मिलता है। लोगों और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच संवाद और जवाबदेही को लेकर सीधा संपर्क जोड़ा जा सकता है।